तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नाउन के पार्ट थ्री के बारे में, बात करें जो दोस्तों जो कि सारे एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास हो, इलेवंथ क्लास हो, और अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों इसका दूसरा क्लास, दोस्तों दो क्लास बना करके दोस्तों यूट्यूब पर डाल दिया गया है, अगर आप सभी नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नाउन के पार्ट नंबर थ्री की। पहले दोस्तों पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है यानी कि संज्ञा क्या है दोस्तों। उनमें दोस्तों हम लोग सारे बात को कवर किए थे, वो भी डिटेल में कवर किए थे। पहला वीडियो आप सभी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देते हैं तो आप सभी को दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे दोस्तों कुछ नॉर्मली बात को, नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके विशेषता क्या है दोस्तों, और सिंगुलर को प्लुरल में कन्वर्ट करने वाला रूल भी बहुत सारा हम लोग देखे थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, आप सभी जाकर के पहला वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वहाँ पर डाला गया है दोस्तों, ठीक है। पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें फिर हम लोग बात किए थे कि जो नाउन है दोस्तों वो क्या हुआ है, तीन पार्ट में डिवाइड है। एक होता है सिंगुलर, सॉरी एक नंबर होता है, एक क्या होता है दोस्तों, एक नंबर होता है, एक जेंडर होता है, और एक केस होता है। क्या होता है दोस्तों, एक नंबर, एक जेंडर और एक केस होता है, तीन प्रकार के बटे होते हैं। तो नंबर में हम लोग बात कर लिए थे कि सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लुरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लुरल नंबर किसे कहते हैं, वो दूसरे वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, पहला दूसरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब जेंडर, जेंडर में दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि इंपॉर्टेंट आप सभी का केस का होता है। केस का फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग आज बात करेंगे केस के फॉर्म के, कि केस कितने प्रकार का दोस्तों। जो केस होता है वो दोस्तों देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केस, केस जो है दोस्तों लिख देते हैं आप सभी को, एक एक पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाएगा, एक एक पॉइंट दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो पेपर पेन लेकर के बैठिएगा, अन्यथा दोस्तों वीडियो बंद करके आप जा सकते हैं। ये मैं दोस्तों चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपसे बहुत सारा बात आज दोस्तों समझ में आएगा और बहुत सारी बात आप सीख करके जाएगा। हाँ बस पेपर पेन लेकर के बैठेगा, अन्यथा दोस्तों वीडियो बंद करके चले जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेहनत किया जाता है दोस्तों, और मेहनत इसलिए किया जाता है ताकि आप सभी कॉपी में लिखें, पढ़ें, ध्यान दें, ठीक है ना। देखिए देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केस, यानी दोस्तों देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केस। देखिए केस जो है दोस्तों पांच प्रकार का होता है, केस क्या होता है दोस्तों पांच प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन होता है। पहला जो होता है दोस्तों केस पांच प्रकार का होता है दोस्तों, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केस। जैसे मैं दोस्तों लिख रहा हूँ वैसे आप सभी को क्या करना लिखना है, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा। पहला है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस दोस्तों, और इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी कि कर्ता कारक, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, कर्ता कारक भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है वोकेटिव केस, या इसको संबोधन कारक, इसको संबोधन कारक कहा जाता है। वोकेटिव केस को दोस्तों, वोकेटिव केस को संबोधन कारक भी कहा जाता है, जिसको किसी को संबोधित किया जाए, किसी को क्या कहते हैं दोस्तों संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है दोस्तों क्या है, आप सभी का ऑब्जेक्टिव केस है, कॉपी में नोट करते चलिएगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि दोस्तों कॉपी में नोट करना बहुत अति आवश्यक उतना ही है जितना का आप सभी को वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चार नंबर पर दोस्तों डेटिव केस, और पांच नंबर पर दोस्तों आपसे क्या है पोसेसिव केस, ठीक है, पोसेसिव केस है। तो ये पहला हो गया दोस्तों जो केस है, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केस। मैंने पहले बात किया कि जो केस होता है वो पांच प्रकार का होता है, कौन कौन, पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है वोकेटिव केस, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, चौथा होता है डेटिव केस जिसमें कर्तव्य की बात की जाती है, पांचवा नंबर पर होता है पोसेसिव केस, कहता है दोस्तों पोसेसिव केस होता है, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए पोसेसिव, ठीक है, पोसेसिव, तो पोसेसिव केस
इसको जेनेटिव केस भी बोला जाता है। इसको जेनेटिव केस यानी कि संबंध कारक, इसको दोस्तों संबंध कारक बोला जाता है, इसको संबोधन कारक बोला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बात को हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा आप सभी को। ठीक है, अब देखिए पारापारी बात करेंगे दोस्तों कि नोमिनेटिव केस किसे कहते हैं, वोकेटिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, और डेटिव केस किसे कहते हैं, और पोसेसिव केस किसे कहते हैं। तो लाइन बाय लाइन दोस्तों बात करेंगे। पहला हेडिंग देखकर लिख लीजिए कि नोमिनेटिव, व्हाट इज नोमिनेटिव केस, व्हाट इज नोमिनेटिव केस, आप लोग हेडिंग दे करके लिखिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा दोस्तों, और हेडिंग देकर के आप सबको लिखना है नोमिनेटिव केस, व्हाट इज नोमिनेटिव केस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला दोस्तों आप सबको देना है क्या हेडिंग, कि नोमिनेटिव केस किसे कहते हैं, नोमिनेटिव केस होता क्या है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, आखिर इसका यूज क्या है, यार सारे बात को कवर करेंगे हम। क्या है दोस्तों नोमिनेटिव केस, इसको क्या बोला मैंने, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, यानी कि कर्ता कारक, कर्ता कारक लिख लीजिएगा, इसको कर्ता कारक भी बोला जाता है, बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नोमिनेटिव केस किसे कहते हैं यार, नोमिनेटिव केस, व्हाट इज नोमिनेटिव केस। अगर किसी नाउन का प्रयोग, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी नाउन का प्रयोग, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो उसे नोमिनेटिव केस कहते हैं, उसे नोमिनेटिव केस कहा जाता है। लिखिएगा बात को, देखिए क्योंकि मैं दोस्तों लिख नहीं पाऊँ, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, जब किसी भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उसे नोमिनेटिव केस के रूप में कहते हैं, उसे नोमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे नोमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी, क्या करता है दोस्तों, राम मेरा मदद करता है, राम हेल्प्स मी। ठीक है, क्या है दोस्तों, पहला है कि मैंने बात किया कि दोस्तों नोमिनेटिव केस कहते किसे, तो नोमिनेटिव केस दोस्तों उसे कहते हैं, कह रहा है कि जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी भी नाउन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, जब किसी भी नाउन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो उसे नोमिनेटिव केस कहा जाता है, उसे नोमिनेटिव केस कहा जाता है। ये बात आप सबको ध्यान में देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखा कि राम हेल्प्स मी, एक और देख लेते, दिल्ली इज बिग सिटी, दिल्ली इज बिग सिटी ले लेते एक इसको भी, दिल्ली इज बिग सिटी, दिल्ली इज बिग सिटी हो जाए दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में प्रधानता हो रहा है दोस्तों नाउन का, तो ये भी क्या हो जाएगा, नोमिनेटिव केस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो है क्या है दोस्तों हमारे पास, अब वोकेटिव केस। क्या आप सबको दोस्तों पहला जो है रूल समझ में आ गया बढ़िया से दोस्तों, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या दोस्तों, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट, आप सभी करिए क्या कि कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको फटाफट दोस्तों कॉपी में नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे। वोकेटिव केस किसे कहते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यार, ट्वेल्थ क्लास के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको देखिएगा। अब कहते हैं वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, वोकेटिव, वोकेटिव केस यानी कि दोस्तों संबोधन कारक, संबोधन, संबोधन कारक, मैंने क्या बोला दोस्तों, संबोधन कारक यानी संबोधन, मैंने क्या होता है, किसी को संबोधित करना, किसी को क्या करना दोस्तों, किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए कैसे, तो ये कहते हैं कि जब किसी भी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन
का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए किया जाए, किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाए, करने के लिए किया जाए। देखिए क्या करा, वोकेटिव केस यानी कि संबोधन कारक। पहले ही बता दिए दोस्तों आपसे को कि संबोधन संबोधित करता है, एक दूसरे को संबोधित करता है, ठीक है। तो कह रहे कि जब किसी भी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वोकेटिव केस कहते हैं, ठीक है। इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल कम हेयर, अच्छा मैंने बोला कि एक लड़का है दोस्तों, मैंने बोला राहुल कम हेयर या मुकेश कम हेयर, मुकेश कम हेयर, कुछ भी आपसे बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, कुछ भी एग्जांपल में आपसे भी ले सकते हैं। बस संबोधित करना करना चाहिए। व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग, व्हाट एनी डूइंग, व्हाट एनी डूइंग What any you doing, doing Rekha? करेक्ट दोस्तों, कि ये होगा कि मुकेश कम हेयर, मुकेश इधर आओ, ठीक है। What any you doing, what any you doing Rekha, यानी कि तुम, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल। और इस रूल को दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट। हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। इसको रूल के लिए अब लोग बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस के, और ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ठीक है। अब हो गया हमारा दो हो गया, पहला हुआ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? जब किसी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, जब किसी भी नाउन का यूज सब्जेक्टिव रूप में यूज किया जाए तो उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और जब जैसे कि राम हेल्प्स मी, जैसे क्या हुआ दोस्तों, जैसे हुआ कि राम हेल्प्स मी, दिल्ली इज़ बिग सिटी। दूसरा दोस्तों वोकेटिव केस, वोकेटिव केस में हमने बात किया कि इसको बोलते हैं संबोधन कारक। जब किसी भी नाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति को संबोधित या बुलाने के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं वोकेटिव केस। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल पर। जो नेक्स्ट रूल क्या दोस्तों, नीचे जगह बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा तीसरा नंबर पर है। तीसरा क्या दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? अब बात आता है कि ऑब्जेक्टिव केस, जब किसी भी नाउन का प्रयोग किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, जब किसी भी नाउन का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्या कह रहे हैं दोस्तों, किसी भी वाक्य में अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में किया जाए, लिखिएगा बात को, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, क्या किया जाए दोस्तों? ऑब्जेक्टिव के रूप में, जब ऑब्जेक्ट के रूप में दोस्तों किया जाएगा इसका प्रयोग तो उसे ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? उसे ऑब्जेक्टिव केस कह देंगे, ठीक है ना। बात को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब किसी भी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में ऑब्जेक्टिव के रूप में किया जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि आई हेल्प राम। देखिए कहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा दोस्तों जो नाउन है दोस्तों, ठीक है। तो यही है दोस्तों जो कि आप सभी को बता रहा है कि दोस्तों ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इस रूल और इस एग्जांपल को दोस्तों कॉपी में नोट कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, वोकेटिव किस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव किस कहते किसे कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि
डेटिव केस किसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों डेटिव केस किसे कहते हैं, तो इसको फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, नोट कीजिएगा कॉपी में इसको और वीडियो को। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर आप देखिए जो हमारा डेटिव केस क्या है दोस्तों, डेटिव केस किसे कहते हैं, डेटिव केस किसे कहते हैं, व्हाट इज डेटिव केस। तो कहता है कि जो तो अगर किसी नाउन का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, जब किसी भी नाउन का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे डेटिव केस कहते हैं। जब किसी भी नाउन का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, किसे, जब किसी भी नाउन का प्रयोग देखिएगा यहाँ पर, जब किसी भी नाउन का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कभी प्रयोग किया जाए ना, तो उसे डेटिव केस कहते हैं। तो उसे डेटिव केस के रूप में कहा जाता है। जैसे किसे, जब किसी भी नाउन का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, यार इनडायरेक्ट डायरेक्ट कभी नहीं किया जाए, इनडायरेक्ट किया जाए, ठीक है ना। देखिए कैसे, इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक खिलाड़ी हो गया और बॉल को मारा, तो एक खिलाड़ी क्या हुआ, उसको कैच किया और फिर वो खिलाड़ी जो कैच किया उस बॉल को दूसरे खिलाड़ी के पास भेजा गया और ये खिलाड़ी फिर उसको 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 सेंड किया जो कि बॉल करा रहा है। तो ये दोस्तों इनडायरेक्ट हो गया यार, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हम सभी को अच्छी तरीके से याद हो जाए इनडायरेक्ट। आई गेव रवि, आई गेव रवि अ पेन। अब देखिए आई गेव रवि अ पेन, तो अ पेन जो है दोस्तों वो तो डायरेक्ट हो गया, अ पेन जो है इतना, ये तो क्या दोस्तों डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये जो रवि है दोस्तों ना, ये इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन ऑफ पेन जो है दोस्तों वो डायरेक्ट के रूप में है और रवि जो है दोस्तों वो इनडायरेक्ट के रूप में है, क्या है ये, इनडायरेक्ट के रूप में है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसको यूज किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट, इसको रूल को लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आप सभी को एग्जाम्पल दे देते हैं, एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। पांचवा देखते हैं जो कि है आप सभी का, क्या है पांचवा, क्या आप सभी का पांचवा है, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस डबल एस रहेगा, पोसेसिव केस किसे कहते हैं, पोसेसिव केस यानी कि जेनेटिव केस भी इसको कह सकते हैं, क्या इसको जेनेटिव केस क्या कह सकते हैं दोस्तों, जेनेटिव टिव केस, इसको जेनेटिव केस भी कह सकते हैं। आप दोनों में से किसी को आप लोग याद रख सकते हैं, या आप लोग अगर दोनों को याद रखते हैं तो और अच्छी बात रहेगा। ठीक है, तो अब कहता है कि पोसेसिव केस किसे कहते हैं और जेनेटिव केस किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों दिया गया है तो बात करते हैं इसको किसे कहते हैं। अगर किसी नाउन का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाए, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग किसी अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाए तो उसे हम लोग
उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे पोसेसिव केस या जेनेटिव केस कहते हैं। जब किसी नाउन का प्रयोग नाउन का प्रयोग जब किसी भी नाउन का प्रयोग अधिकार अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाए, बताने के लिए किया जाए, किया जाए। अधिकार है कि जब किसी भी नाउन का प्रयोग ना अधिकार या संबंध कि आपके साथ हमारा अधिकार है, संबंध है, जैसे कि एक पति पत्नी के साथ जो अधिकार और संबंध होता है दोस्तों, उसी संबंध को बात करते हैं कि पोसेसिव केस या इसे जेनेटिव केस कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कहते हैं कि जो ये हो गया, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आप सभी के लिए लेते हैं, मोहन मोहन हाउस, ये हो गया दोस्तों पोसेसिव केस। रिलेटिव केस राम ब्रदर, ये हो गया दोस्तों रिलेटिव हो गया, लेकिन ये क्या हो गया पोसेसिव हो गया। ये नीचे वाला रिलेटिव और ऊपर वाला पोसेसिव हो गया, क्योंकि दोस्तों वो संबंध, वो दोस्तों अधिकार को दर्शा रहा है कि मोहन का ये घर है तो है, और नीचे वाला संबंध दर्शा रहा है कि रिलेटिव ये राम का भाई है तो है, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है। तो ये दोस्तों पांचों रूल हमारा खत्म हुआ दोस्तों, पांचों जो टाइप्स था वो खत्म हो गया। क्या आपसे को पांचों रूल पांचों टाइप्स दोस्तों समझ में आए? तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दोनों को नोट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं इसको क्लीन करूंगा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है, ठीक है, आगे देखते हैं। आज नाउन दोस्तों खत्म हो जाएगा आपसी का, कल से चालू होगा दूसरा पार्ट जो कि रहेगा मॉडल्स को स्टार्ट कर सकते हैं कल हम लोग, ठीक है ना। अब होगा दोस्तों क्या, अब रहेगा कि किसी भी नाउन का पोसेसिव केस कैसे बना जाए, अगर किसी भी नाउन को अगर पोसेसिव केस में बदलना हो, किसी भी नाउन को क्या कहना हो पोसेसिव केस में अगर बदलना हो, तो हम लोग उसको किस किस रूल से बदल सकते हैं, इस रूल के बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है, कि पोसेसिव केस किसी भी नाउन को अगर पोसेसिव केस में चेंज करना हो तो हम लोग किस किस रूल से चेंज कर सकते हैं, इस रूल को ध्यान दीजिएगा। जो पहला रूल है दोस्तों इसका क्या है, पहला रूल है कि पहला रूल है एपोस्ट्रोफ एस की सहायता से, एपोस्ट्रोफ ट्रॉफ एस की सहायता से, एपोस्ट्रोफ एस की सहायता से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से दोस्तों को बहुत लोगों को क्या होता है कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर आप सभी क्या करिएगा गौर से देखिएगा, ध्यान लगा कर देखिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ की सहायता से, प्रीपोजिशन जिसन ऑफ की सहायता से, नेक्स्ट जो है तीसरा, इसमें थोड़ा इंक भर लूँ, थोड़ा आप लोग क्या करिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अगर आप सभी नोट कर रहे होंगे तो मैं थोड़ा इंक इसमें क्या करूँ इंक भर दूँ, ठीक है, आप से फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन सॉरी ई रहेगा यहाँ पर, ई आई की जगह पर ना, ये हो गया। जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट रूल है कहता है कि केवल एपोस्ट्रोफ की सहायता से,
ओनली केवल एपोस्ट्रोफ की सहायता से लगा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा तीन रूल दोस्तों, जिससे हम किसी भी नाउन को पोसेसिव केस में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको चेंज कैसे किया जाए। तो स्पेशल रूल दोस्तों लिख करके यहाँ पर नोट डालिएगा, स्पेशल रूल यहाँ पर आप सभी दिखाई दे रहा है बगल में जो है, ठीक यहाँ पर स्पेशल रूल। अब स्पेशल रूल क्या कहता है इसको ध्यान दीजिएगा। स्पेशल रूल पहला है, रूल नंबर पहला स्पेशल में लिखिएगा, यू नो यू यूज एपोस्ट्रोफिस एस ओनली ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एनिमल एंड बर्ड्स के लिए ही यूज होता है। कि इसका दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस की प्रयोग केवल जीवित वस्तुओं के लिए होता है, जीवित प्राणी के लिए होता है, अजीवित के लिए नहीं होता है दोस्तों, निर्जीव के लिए नहीं होता है, बस जीवित के लिए होता है। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखा दोस्तों, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो चलता है क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करके यू यूज एपोस्ट्रोफिस एस ओनली ह्यूमन एनिमल और बर्ड्स। दोस्तों जो एपोस्ट्रोफिस एस जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका प्रयोग केवल दोस्तों हम लोग ह्यूमन बींग, बर्ड्स, एनिमल यानी कि चिड़िया, पक्षी, मनुष्य, मतलब घोड़ा, बकरी, गधा, सबके लिए किया जा सकता है, लेकिन जो निर्जीव है उसके लिए कभी नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा बोर्ड, जैसे हमारा ये पेन, जैसे हमारा ये वॉच, इसके लिए कभी नहीं किया जा सकता है एपोस्ट्रोफी एस का यूज। देखिए इसको कैसे किया जा रहा है दोस्तों, कैसे इसको अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रेखा रेखा मदर। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहां पर आप सभी देख सकते हैं मुकेश, कार। आप कभी भी इसको दोस्तों, हाँ डॉग भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, डॉग्स टॉयल। लेकिन दोस्तों इसमें निर्जीव वस्तु जिसमें जीव नहीं है उसको आप कभी इसमें लगा नहीं सकते दोस्तों, कभी इसके यूज में नहीं ला सकते। तो इसको दोस्तों फटाफट नोट कीजिएगा क्योंकि अब हम लोग बढ़ेंगे अगले रूल की ओर, कि अगला रूल क्या है। ठीक है, तो इसको फटाफट, अगर आप सभी नोट नहीं किए तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है ना। आगे कहता है ये, जैसे कि आप देखेंगे जो निर्जीव वस्तु है, जीवित वाला तो देख लिया आप, लेकिन देखेंगे निर्जीव वाला देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, उसको कवर करेंगे कि उसमें क्या कह रहा है वो। यू डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफिस एस विथ नॉट लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, निर्जीव वस्तु के साथ। निर्जीव क्या लिखा है, मैं लिखा कि निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या कहने का मतलब यार, कहने का क्या मतलब है कि देखिएगा,
हाउस डोर्स, ये हो गया गलत, क्योंकि दोस्तों जो हाउस है और जो डोर है ये दोनों ही निर्जीव प्राणी है दोस्तों, क्या है, दोनों ही निर्जीव प्राणी है, तो इसमें को भी दोस्तों एपोस्ट्रोफी जो एस यहाँ पर हम लगाए हैं, यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी से ये कभी नहीं लगेगा दोस्तों, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, जब ये लगेगा दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा। आखिर कैसे इसको बना चाहिए यार, तो मैंने बोला कि दोस्तों प्रीपोजिशन ऑफ की सहायता से भी आप बना सकते हैं इसको, तो बनाएंगे द डोर्स, द डोर्स, द डोर्स ऑफ हाउस, ऐसे इसको बनाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा सही वाला होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों ये हाउस और एपोस्ट्रोप जब आप लगाते थे तो ये निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी एपोस्ट्रोप एस की सहायता से नहीं बना सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग केवल प्रीपोजिशन ऑफ की सहायता से बना सकते हैं, जो कि नीचे आप सभी को बना करके और सही करके दिखाया होगा दोस्तों नीचे, द डोर्स ऑफ हाउस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल एक, बाइक्स, बाइक्स, बाइक से ले ले दोस्तों और व्हील, तो क्या दोस्तों ये सही होगा या गलत होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको कि ये गलत होगा कि सही होगा, ठीक है ना, ये गलत होगा कि सही होगा। अब इसको देखिए कैसे सही कर सकते, इसको करेंगे द, करेंगे द व्हील, पहिया होगा दोस्तों ऑफ बाइक, ये दोस्तों इसका सही वाला होगा और करेक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ऊपर वाला को नोट कीजिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, रूल क्या कहता है इसका, आगे एक दो रूल और बचा है, ज़्यादा नहीं है, तो इसमें इसको भी क्या करेंगे कवर कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसको देखते हैं आगे वाला रूल क्या कहता है। आप देखिए कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड नाउन का पोसेसिव केस बनाने के लिए नाउन का लास्ट शब्द एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है दोस्तों वो कह रहा है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट रूल है कैसा, किसी भी नाउन का, किसी भी कंपाउंड नाउन का अगर पोसेसिव केस बनाना हो तो उसमें लास्ट वाले शब्द में क्या कहते हैं ना, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा ताकि याद रहे कभी भी, किसी भी कंपाउंड नाउन का पोसेसिव बनाने के लिए लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ठीक है, कितना शॉर्टकट में हो गया दोस्तों, कि किसी भी कंपाउंड नाउन का पोसेसिव बनाने के लिए लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में दोस्तों, शुरू में नहीं, लास्ट में, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसे हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंट, सॉरी ये करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर आप कहीं भी एपोस्ट्रोफ अगर एस का दूसरा टाइप प्रयोग करते तो ये दोस्तों आप सभी का गलत माना जाएगा, 100% दोस्तों रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है, इसको दोस्तों आप सभी क्या करिएगा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, जो नेक्स्ट रूल है दोस्तों एक दो रूल और बचा हुआ है, किसी भी कभी भी किसी भी वाक्य में दो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कभी भी किसी भी नाउन के साथ दो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये गलत है, रूल के खिलाफ है ये दोस्तों, कभी यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। लिखिएगा किसी भी नाउन में दो एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, अन्यथा इसको गलत माना जाएगा, अन्यथा इसको गलत माना जाएगा, कैसे, राम, राम ब्रदर वाइफ, करें कि ये राम के भाई की पत्नी है,
क्या है, ये राम के भाई की पत्नी है, लेकिन ये गलत माना जाएगा, लेकिन ये गलत माना जाएगा क्योंकि दोस्तों इसमें दो एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसीलिए इसको गलत माना जाए। तो इसको कैसे अब लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द वाइफ ऑफ राम्स ब्रदर, इसको जब आप इस प्रकार लिखेंगे, देखिए क्या है, द वाइफ ऑफ राम्स ब्रदर्स, तब ये क्या है दोस्तों, ये सही माना जाएगा, इसको रॉन्ग, ये इसको राइट माना जाएगा, ठीक है, ये इसका सही वाला हो जाए दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेड है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रूल की ओर, कि नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट रूल की ओर बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख करके चाहिए वीडियो को, ठीक है, एंड तक। तो आज के लिए इतने दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है यार, प्लीज चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप तक जल्द पहुंचे। क्वेश्चन को दोस्तों, रूल को सारे कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों मिलते हैं कल दोस्तों, आप कल मॉडल्स लेकर के आएंगे दोस्तों, उसमें बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मिलते हैं कल दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ऐसे इंपोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।